और यहाँ से छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन 800 मीटर पे है, सीधा जाएंगे आगे छोटी चौपड़ आता है और वहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन, और ये अजमेरी गेट का सामने का पूरा व्यू, क्या क्या यहाँ बना रखा है देखिए आप। और ये राजा की फोटोएं लगी हुई है यहाँ पर, और ये पिंक कलर में पूरा, और यहाँ कबूतरों को दाना डाला जा रहा है, और ये पूरा यहाँ से गेट से एंट्री होता है सिटी का। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत। नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी जयपुर में हूँ और ये जयपुर का एक चौराया रामबाग सर्किल, यहाँ से ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और अजमेरी गेट तक जाने वाले हैं। बने रहें पूरे वीडियो में और आप भी मेरे साथ इसको एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ से यदि आप राइट में निकलेंगे तो दिल्ली और आगरा रोड है, सीधा अजमेरी गेट है, हमें अजमेरी गेट तक जाना है। और ये यहाँ टोंक रोड का पूरा व्यू है, आइए आगे चलते हैं। और ये नारायण सिंह सर्किल है, ये यदि आप ऊपर से क्रॉस करते हैं तो यहाँ ये लगे हुए हैं, ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से आप रोड क्रॉस करके उधर जा सकते हैं। और ये पूरे यहाँ से बसें आपको मिल जाती है, एक बस स्टैंड है एक तरह से नारायण सिंह सर्किल, यहाँ से आपको दिल्ली की, आगरा की और यूपी साइड की बसें मिल जाती हैं। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ नारायण सिंह सर्किल पे ये बस स्टॉप यहाँ का, ये लोकल बसें हैं। और ये जैन मंदिर यहाँ नारायण सर्किल पे, ये गेट नंबर 2 जैन मंदिर का। और ये सामने मंदिर का एंट्री, आइए आगे चलते हैं। और अभी भाई के साथ बैटरी वाली गाड़ी में बैठ गए हम, यहाँ से नारायण सिंह सर्किल से अजमेरी गेट तक 10 रुपया बोल रहे भाई, 10 रुपया लेगा। और ये सेंट्रल पार्क, जयपुर का सेंट्रल पार्क बहुत बड़ा पार्क है, काफ़ी हरियाली अंदर। और ये टोंक रोड, आप कहाँ से कहाँ तक चलते हो, आप इस गाड़ी को कहाँ से कहाँ तक चलाते हो? छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़। अभी छोटी चौपड़ तक जाओगे ना? नहीं, हाँ अजमेरी गेट तक है, ठीक है, हमें भी अजमेरी गेट जाना है। और ये इधर एक रास्ता निकल गया और ये सीधा टोंक रोड जो अजमेरी गेट तक जाने वाला है। इस भाई के साथ हम भी अजमेरी गेट तक चलेंगे। काफ़ी हवा चल रही है आज, सामने से हवा काफ़ी आ रही है, आपके आगे शीशा नहीं लगा हुआ? नहीं। और ये SMS हॉस्पिटल का एरिया आ गया, ये पूरे मेडिकल की दुकानें यहाँ पर, और हमारे राइट साइड में SMS हॉस्पिटल स्वाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर गेट नंबर 2। और ये दवाइयों की दुकानें, और ये आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर यहाँ, और ये दूसरा गेट मंदिर का, और ये सब मेडिकल की दुकानें। और सामने ये ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा एवं अस्थि रोग संस्थान स्वाई मान सिंह हॉस्पिटल जयपुर, एम्स
इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमालॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स SMS हॉस्पिटल। और ये एक और सिग्नल यहाँ पर, यदि राइट में जाते हैं तो जेलन मार्ग है, छोटी चौपड़, ये जेलन मार्ग, इधर जाएंगे तो चांदपुर चौपड़, और ये जाट छात्रावास यहाँ। साफ सफाई अच्छी है जयपुर में, बिल्कुल क्लीन है, इसीलिए जयपुर का नाम आता है सफाई में, अच्छा साफ सफाई। सामने अजमेर रोड, अशोक मार्ग, यदि लेफ्ट में जाएंगे सीधा अजमेरी गेट, MI रोड, और राइट में जाएंगे तो सागानेरी गेट आ जाएगा, और ये महारानी कॉलेज। ये महारानी कॉलेज का सिग्नल, पूरे दिन भर चलाते हो? तो ये बैटरी पूरे दिन चल जाता है क्या, या दो बार चार्ज करना पड़ता है? दो बार करना पड़ेगा, एक सुबह एक बैटरी इसमें और करना पड़ेगा। एक बार चार्ज किया कितना घंटा चलता है? 60-70 किलोमीटर एक बार चार्ज करे चल जाएगा। पूरे दिन में 100-150 किलोमीटर चला देते होंगे। 100 किलोमीटर। और इधर राम निवास बाग गार्डन, और ये अजमेरी गेट का बस स्टॉप, एक इधर सामने भी है अजमेरी गेट का बस स्टॉप, सिसोदिया गार्डन, जौहरी बाजार, यदि यहाँ से राइट में जाएंगे, और सामने ये पुलिस का ऑफिस यहाँ पर, और ये सामने MI रोड। और ये सामने अजमेरी गेट, ये MI रोड वन वे है, सामने से नहीं आ सकते, सिर्फ आ सकते हैं, जा नहीं सकते। तो इसी पे ये पहला ही गेट जो आता है, ये अजमेरी गेट है, और ये बाहर MI रोड जा रहा है, जो आगे सीधा न्यू गेट और सांगानेरी गेट होते हुए आगे निकल जाता है ट्रांसपोर्ट नगर तक MI रोड, और इधर ये MI रोड आती है कलेक्ट्रेट सर्किल से गवर्नमेंट हॉस्टल, सरकारी पोस्ट ऑफिस होते हुए, और ये पहला ही गेट जो अजमेरी गेट है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।